नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अगर आपको फ्री का गैस कनेक्शन नहीं मिला है तो आप उसका किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सभी घरों में फ्री का गैस कनेक्शन हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है। अगर अभी तक आपने इसका लाभ नहीं उठाया तो आपको लाभ मिलने वाले हैं। किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको लाभ मिल चुका है तो आपको दोबारा लाभ नहीं मिलने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो वेबसाइट है PMUY.gov.in का वेबसाइट है। आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, चाहे आप अपने मोबाइल से कीजिए या लैपटॉप के माध्यम से, कोई भी ब्राउजर के माध्यम से इसे आप ओपन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, आप वहां से डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हर घर सशक्त, तो आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है, कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन। तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ इसका करेक्ट एरिया है, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। जो भी आपको अप्लाई करना है वो लेडीज के नाम पे अप्लाई करना है, यानी कि वोमेन होना चाहिए, औरत होना चाहिए और 18 साल से ऊपर उसका एज होना चाहिए, तब जाकर के आप वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके घर में कोई और कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगने वाले हैं, राशन कार्ड लगने वाले हैं और इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड लगने वाले हैं। ये ऑप्शनल है, ये आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। आने वाले जब हम फॉर्म को फिलअप करेंगे उस समय हम आपको बताने वाले हैं कि क्या लगने वाले हैं या नहीं लगने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट पोर्टल पे आ जाएंगे, और नहीं तो ऊपर में भी हम यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इंडियन कंपनी को हमें देखने को मिलता है, इसके बाद भारत गैस का हमें देखने को मिलता है और इसके बाद हमारे नीचे में देखने को हिंदुस्तान का मिलता है। आपके आसपास में जिसका डिस्ट्रीब्यूटर है उस पे आप क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे आसपास में जो है HP गैस कनेक्शंस है जो हमारे नजदीक में पड़ता है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर हमारे नजदीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देख सकते हैं कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। तो आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे दो कनेक्शन देखने को मिल सकता है, एक रेगुलर कनेक्शंस रजिस्ट्रेशंस, एक उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शंस। रेगुलर है जो आप रेगुलर जैसे कस्टमर्स होते हैं, आप जो प्राइवेट में कनेक्शंस कराते हैं उसके लिए है, और उज्ज्वला योजना जो प्रधानमंत्री तहत जो फ्री गैस कनेक्शन मिलने वाले हैं वो यहाँ पे उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शंस का है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपके सामने दिखाई देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, टर्म एंड कंडीशंस है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है उसे, और एक्सेप्ट करते ही आपका पेज फिर से रीडायरेक्ट लेगा। वो रीडायरेक्ट लेने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम वाइज खोज सकते हैं जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर का नाम है, या फिर लोकेशन वाइज आप खोज सकते हैं। तो हम यहाँ पे लोकेशन वाइज यहाँ पे सर्च करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लोकेशन वाइज पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा और डिस्ट्रीब्यूटर का नाम हमें दिखाई देंगे, इसके बाद हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद फिर से हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम दिखाई देता है। तो जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटर का डिटेल सामने आ जाएंगे, जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटर है उसका एड्रेस दिखाई देंगे और उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं आप अगले पेज पे आ जाते हैं, और अगले पेज में आपको पूरी तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। वो भी हम बताने वाले हैं कि किस तरह से कहाँ पे कौन से डिटेल को फिल करना है। तो चलिए शुरुआत से आते हैं और फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जिस कैंडिडेट के नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है। जैसे ही आप उसका यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फुल नेम यहाँ पे है,
मिस्टर एंड मिसेस यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मिसेस आप सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पे सिलेक्ट होने वाले हैं वो लेडीज के नाम से होने वाले हैं, ओमेन के नाम से होने वाले हैं, महिलाओं के नाम से होने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम जो भी नाम है उसका नाम लिख लेंगे, और इसके बाद लास्ट नेम में देवी आता है, देवी, कुमारी है, कुमारी, जो भी आपका लास्ट नेम है वहाँ पे फिल कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके आप फिल कर लेंगे। इसके बाद सिलेक्ट कास्ट, आप किस कास्ट से आते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी आप सिलेक्ट करेंगे, एससी एसटी में आते हैं तो एससी एसटी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसके बाद नीचे जब आते हैं राशन कार्ड डिटेल में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं हमारा स्टेट का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसके बाद राशन कार्ड इशू डेट यहाँ पे देख सकते हैं। तो इशू डेट अगर आप जानते हैं तो ठीक है, फिलअप कर लेंगे, नहीं तो राशन कार्ड में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे राशन कार्ड नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे आप फिलअप करेंगे फिर आप आगे आ जाएंगे, और आगे देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शंस एड्रेस, जिस एड्रेस पे आप कनेक्शंस लेना चाहते हैं उसको एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस है उस एड्रेस को आपको फिलअप करना है यहाँ पे। तो आप रूरल में रहते हैं तो रूरल, या अर्बन में रहते हैं तो अर्बन है, रूरल है तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, अर्बन है तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हाउस नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट लिया है, जैसे हमने रूलर यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हाउस और बिल्डिंग नंबर। इसके बाद स्ट्रीट नेम यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके बाद सिटी टाउन यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। इसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं, या इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए कंपलसरी है मोबाइल नंबर फिल करना। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर देना है, और इसके बाद जो दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं इसे आप छोड़ देना है। इसके बाद देख सकते हैं पार्टिकुलर्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे तो आपको अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड लगने वाले नहीं है, जो कि हम आपको पहले ही बताए थे कि जब हम फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको यहाँ पे देखना है। ऑप्शनल के तौर पर आपको बैंक अकाउंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो भी सब्सिडी मिलते हैं आप सब आधार कार्ड के माध्यम से हमें देखने को मिलते हैं, डीबीटी के माध्यम से हमें हमारे बैंक अकाउंट में मिल जाता है, जिसके कारण हमारा यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो आप यहाँ पे आधार नंबर फिल कर लेंगे, और जैसे आप आधार नंबर फिल करेंगे फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो देख सकते हैं 14.2 kg यहाँ का सिलेंडर सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप इसे 14.2 kg का ही रहने देंगे, इसे आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। और इसके बाद नीचे में यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप राशन कार्ड ले लेंगे, क्योंकि आपके पास राशन कार्ड है, और राशन कार्ड ही सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप राशन कार्ड सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ आईडी में से राशन कार्ड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे आप यहाँ पे राशन कार्ड फिल करेंगे फिर आपको आगे आ जाना है। आगे यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हैं वह 300 KB के साइज का होना चाहिए। मैक्सिमम साइज आपका 300 KB और लेस देन 50 KB, 50 KB से नीचे नहीं होना चाहिए और 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे फॉर्मेट की बात, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, जिप फाइल, हमें सभी तरह के फाइल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, सभी फाइल में आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, आधार कार्ड अपलोड करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट इसे क्लिक करके आप आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे, और इसके बाद उसी तरह से एड्रेस प्रूफ में आप राशन कार्ड यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। और इसके बाद नीचे में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि 50 KB से कम होना चाहिए, के नाम से आप कनेक्शंस अप्लाई कर रहे हैं उसका एक पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे 50 KB से नीचे होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं राशन कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। जो भी आप फिर से यहाँ पे राशन कार्ड सेलेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और राशन कार्ड अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे में आप फैमिली, जो भी जितने भी राशन कार्ड में फैमिली मेंबर हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे 4, 5, 6, 7 या 8, 9, 10 जितना भी है आप उन सभी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो बारी बारी से यहाँ पे सभी का नाम लिख लेंगे, और राशन कार्ड में शुरुआत से शुरू करना, राशन कार्ड में देख लेना कि जो सब फर्स्ट में क्या नाम है उनका, उसी तरह से आपको सारे को फिल करना है। तो यहाँ पे आप फैमिली डिटेल सारा कुछ सिलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद टर्म एंड कंडीशन पे यहाँ पे क्लिक करके इसके बाद सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से कॉल या मैसेज देखने को मिल जाते हैं। अगर कॉल करते हैं तो आपको जाकर के ऑफिस, वहां पे जाकर के आपको गैस कनेक्शन को ले लेना है। और अगर इस तरह से नहीं होता है ऑनलाइन तो ऑफलाइन भी तरीका है, ऑफलाइन के माध्यम से अभी आप कर सकते हैं अप्लाई। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं इस पे आ जाना है और यहाँ पे होम पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे होम पे करते हैं तो हमने आप बताया है कि आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अब हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो आपके सामने फॉर्म्स का ऑप्शन दिखाई देंगे,
तो आप यहाँ पे जैसे ये फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने केवाईसी फॉर्म इंग्लिश हिंदी में देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड इसको पूरा फिलअप करके आपको जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास चल जाना है और वहां जाकर के इसे सबमिट कर देना है। और सबमिट करते ही आपको गैस कनेक्शंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएंगे, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ आपके मन में कुछ त्रुटि आ रहा है तो व्हाट्सएप का वहां पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो व्हाट्सएप में आप हमारे साथ मैसेज कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, कुछ टाइप कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है प्रॉब्लम को हमारे साथ साझा कीजिए, हम आपका सोल्यूशन बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।